हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके ओडिशा। संग माने आज आम ओडिशार जियोग्राफी उपरे किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। जो क्वेश्चन आमर फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर पाई कि बहुत बहुत इंपोर्टेंट रहुचि। ये कोनोसी पर्टिकुलर एग्जाम पाई नुए, आम जदि सिलेबस वाइज देखिबा ये प्रत्येक एग्जाम पाई इंपोर्टेंट रहुचि। देखंतु जदि भी आपण मानको यार पीडीएफ दरकार, आपण माने आम जीके ओडिशा टेलीग्राम चैनल जॉइन होइकि यार पीडीएफ टी को पाई परिबे। आज आम बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डिस्कसन करवा। से एक्स्ट्रा क्वेश्चन जाक आप सब नोट डाउन करके रखुद, जोटा कि आपण मानक बहुत हेल्प कर। पूरा इजी इजी क्वेश्चन ही आम डिस्कसन करवा, जोटा कि एग्जाम बारंबार आसूँ, तार रिलेटेड क्वेश्चन भी आसवर चान्स भी अच्छी। आज आम से सब डिस्कसन करवा। तेज चलतु आज प्रथम क्वेश्चन टी आम आरंभ करवा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन कौच कि आज फॉर कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन मोस्ट पार्ट ऑफ ओडिशा कम्स अंडर। देखो ये कौच कि कोपेन जो आम रही कि कोपेन को क्लाइमेट जे कि क्लासिफिकेशन करा जाए थिला, को पार्ट रे बा को टाइप रो क्लाइमेट रे जे कि आम ओडिशाटा आसूची। करेक्ट आंसर कौन है कहतु ना, ऑप्शन ए ट्रॉपिकल सबनात टाइप। ठीक अच्छे, ट्रॉपिकल जे क्लाइमेट रे जे कि आमर ओडिशाटा आसूची। ठीक अच्छे, जे कि आमर जो ट्रॉपिकल सबनात टाइप टा रहला, एटा आमर कोपेनन को द्वारा क्लाइमेट टा को क्लासिफिकेशन करा जाइथिला। जदि एग्जाम रे आपण मानको पचारिबो क्लाइमेट टा को केते भाग रे विभक्त करा जाइछि, ना आपण माने कहबे पांच भाग रे जे कि विभक्त करा जाइछि। कोन कोन सेटा भी आपण मानको एते इम्पोर्टेंट रहुनी, बस आपण माने एतिक मने रखिथांदु जे कि क्लाइमेट टा को जे कि पांच भाग रे विभक्त करा जाइछि। क्लियर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन चलंतु। क्वेश्चन नंबर 76 देखंतु, द ओटेस्ट मंथ इन ओडिशा। एठी कहला कि ओटेस्ट मंथ, ठीक अछि, कोडा हबो ना जुलाई, जुलाईटा जे कि आमर हम ओटेस्ट मंथ। आउ जो हॉटेस्ट मंथ कथा पचारे आपण मैंने कौन कहे ना, मे मस, मे मस हूँ आमर हॉटेस्ट मंथ और ओटेस्ट मंथ हूँ जुलाई। ऑप्शन बी होमर ये करेक्ट आंसर। क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 77 ह्यूमिडिटी इज मैक्सिमम इन। कौन कौच ना ह्यूमिडिटी इन मैक्सिमम इन। देखो क्वेश्चन ये कहार लक्ष्य रोचे जे कि एयर रे केते परिमाणर वाटर थाए जे कि आम ह्यूमिडिटी बोली कहवा। ह्यूमिडिटी क्या कहवा ना, आमर जो एयर रे कौन थाए ना वाटर थाए से आम ह्यूमिडिटी बोली कहवा। कहतु ये करेक्ट आंसर कौन है ना, ऑप्शन ए कोस्टल रीजन। आमर जो कोस्टल रीजन रे जो एयर गुड़िक रहिला से कि आमर एयर एयर रे जो वाटर परिमाण रो अधिका थाए कोस्टल रीजन रे समुद्र उपकूलवर्ती अंचल रे। ठीक अच्छे, ऑप्शन ए हे जीव आमर एठी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन कहो कि जनरली हाउ मेनी टाइप ऑफ सोइल ग्रुप ऑफ फाउंड इन ओडिशा। एठी देखंतु क्वेश्चन टी कहिछि कि ओडिशा रे आमर कौन होय जाय ना केते प्रकार रो मूर्तिका देखा जाए। जनरली हाउ मेनी टाइप ऑफ सोइल ग्रुप आर फाउंड इन ओडिशा। कौन कहबे ना, ऑप्शन बी 8 प्रकार। ठीक अछि, 8 प्रकार रो मूर्तिका जे कि ओडिशा रे देखा जाए। देखंतु अधिक परिमाण रे केउ मूर्तिकाटा ओडिशा रे देखा जाए ना, आपण माने कहबे रेड मूर्तिका बा लोहित मूर्तिका। ठीक अच्छे, रेड मूर्तिकाटा ओडिशा रे अधिक परिमाण रो देखा जाए। आपण मानु कहूँ 8 प्रकार रो मूर्तिका ना कौन, आपण माने नोट डाउन करके रखुद। फास्ट है रेड सोइल, सेकेंड है लेटेलाइट सोइल, तीन नंबर है लेड रेड एंड येलो सोइल, चार नंबर है आलुवियल सोइल, पांच नंबर है ब्लैक सोइल, छः नंबर है मिक्स रेड एंड ब्लैक सोइल, सात नंबर है जेकि आमर कोस्टल सालाइन एंड आलुवियल सोइल, एवं आठ नंबर है ब्राउन फॉरेस्ट सोइल। ठीक अच्छे, यही 8 प्रकार मूर्तिका जे कि आम ओडिशा रे देखा जाए। एवं जदि पचारिबो को मूर्तिका अधिक परिमाण रे ओडिशा रे देखा जाए ना, आपण माने कहबे रेड सोइल बा लोहित मूर्तिका। क्लियर चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन कहो कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोइल कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ओडिशा। सांगे सांगे क्वेश्चन टे आपण मानको पचार देला को मूर्तिका जे कि ओडिशा अधिक परिमाण रे कवर करके रही। करेक्ट आंसर कौन है ना, ऑप्शन ए रेड सोइल, रेड सोइल बा लोहित मूर्तिका रे जे कि अधिक परिमाण रे कवर करके अच्छी। क्लियर बुझी पाइले, जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलंतु। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, क्वेश्चन टी कौन कौच इन ओडिशा हाज फॉर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 द टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन डैश परसेंट ऑफ टोटल एरिया। देखो
एटी आमको क्वेश्चन कही ओडिशा ठीक अच्छे आज फर द इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 फॉरेस्ट रिपोर्ट अनुसार ओडिशा रे आमर जो जंगल रहुची सेटा जे केते भाग रहुची करेक्ट आंसर कौन है कहतु कौन कहे ना ऑप्शन ए 33.50% जे कि आमर फॉरेस्टा रहुची अकॉर्डिंग टू 2021 अनुसार ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन टी कौन कहे ना हुई टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन ओडिशा कवर मोर देन 50% ऑफ द टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट इन द स्टेट। देखो ये क्वेश्चन टी कौन कहे क्वेश्चन टाक प्रथम बुझानु क्वेश्चन टी हुई टाइप फॉरेस्ट कौ प्रकार जंगल ओडिशा रे जेकी कवर कर मोर देन 50% कहतु टोटल एरिया हिसाब से ओडिशा रे कौ प्रकार फॉरेस्ट जेकी 50% जेकी कवर करेक्ट आंसर कौन है कहतु 81 र ना ऑप्शन बी ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट ठीक अच्छे ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट जे कि ओडिशा रे 50% कवर करके रही ऑप्शन बी हो जाए कि आमर एठी करेक्ट आंसर। देखो ये जो आपण कहला कि ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट माने कौन ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट होची आमर जो खरा दिन रे जो गछ माने पत्र झड़ा दियंती सेही गछ मानको आमे कहबा ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट ठीक अच्छे बुझी पाइले जदि पचार ओडिशा रो कौ डिस्ट्रिक्ट सबुठारु अधिक परिमाण रे जंगल अवस्थित ना आपण माने कहबे कंधमाल कंधमाल जे कि अधिक मात्रा रे जंगल अवस्थित बुझी पाइले एवं भारत रे कौ स्टेट कथा जदि पचारिबो ना आपण माने कहबे भारत रे जे कि मध्यप्रदेश रे अधिक मात्रा रे जंगल अवस्थित क्लियर। क्वेश्चन नंबर 82 देखंतु क्वेश्चन टी कोन कहिला टिक एंड सालिया बांबो आर टाइपिकल थ्री स्पेशल मोस्टली फाउंड। देखु ये क्वेश्चन कहे टिक एंड सालिया बांबो टिक रो माने कौन कहतु टिक रो माने हूँ आमर जो रहा कि सागवान गछ एवं सालिया बांबो माने हूँ बाउंश गछ ठीक अच्छे जे कि सागवान एवं बाउंश गछ जे कि टाइपिकल ट्री स्पेसीज कौ प्रकार फॉरेस्ट रे जाउची करेक्ट आंसर कौन है कहतु ना कहे ऑप्शन सी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑप्शन सी होमर एटी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप इज ऑल्सो नोन एज हेंटाल बन फॉर द काइंड ऑफ ट्री स्पेसीज ग्रो हियर। देखो ये क्वेश्चन टी कौन कहे ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप जे कि हेंटाल बनटा के प्रकार फॉरेस्ट टाइप रे जाउची करेक्ट आंसर कौन है कहतु कौन कहे 83 र ना ऑप्शन डी मैंग्रोव फॉरेस्ट हेंताल बनटा जो रहिला सेटा हमरो मैंग्रोव फॉरेस्ट रे जाउजी मैंग्रोव फॉरेस्ट हमर कोडी थाए ना हमर जो देखिथिबे कि हमरो भितरकनिका रहिला जे कि भितरकनिका रे जो हमरो पानी कूल रे जे कि हमरो जो पानी जाइजी से पानी कूल रे जो लंबा लंबा चेर टाइप रो गछ होई थाए ना ताकू हमें कहिबा सब कोन ना मैंग्रोव फॉरेस्ट ठीक अछि जे कि ऑप्शन डी हे जीव करेक्ट आंसर मैंग्रोव फॉरेस्ट रे जे कि हेंताल बनटा हमरो जाउजी। 84 देखंतु क्वेश्चन टी कोन कहउची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोइल इज वर्चुअली ए प्रोडक्ट ऑफ लीचिंग एक्शन कौन कहे ना निम्नलिखित मानक मध्यरु लीचिंग एक्शन टा प्रथम आप बुझी रखु लीचिंग एक्शन हूँ आमर जो कि वर्षा द्वारा क्यों मूर्तिकाटा सृष्टि होता है ठीक अच्छे ये क्वेश्चन टी कौच कि निम्नलिखित मानक मध्यरु वर्षा हूँ जो वर्षा द्वारा क्यों मूर्तिकाटा सृष्टि होता है करेक्ट आंसर कौन है सेटा को आम कह लीचिंग एक्शन ना आपण माने कहबे ऑप्शन सी लैटेलाइट ठीक अच्छे वर्षा द्वारा आमर जे कि लैटेलाइट मूर्तिकाटा सृष्टि होता है ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 85 देखंतु क्वेश्चन टी कौन कहला सुंदरी टाइपिकल सीरीज ऑफ अ ट्री इज फाउंड सुंदरीटा आमर क्यों टाइपिकल सीरीज बा कौ जंगल रे सेटा फाउंड मिली करेक्ट आंसर कौन है कहतु 85 ना ऑप्शन डी टाइडल मैंग्रोव फॉरेस्ट ठीक अच्छे टाइडल मैंग्रोव फॉरेस्ट रे जे कि सुंदरी जे कि मिली ऑप्शन डी हे जीव आमर करेक्ट आंसर बा सुंदरीटा आमर केउ टाइप रो स्पेसीज ना आपण माने कहबे टाइडल मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑप्शन डी हे जीव आमर एठी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 86 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट एरिया कवर अंडर फॉरेस्ट। देखंतु हाईएस्ट कथा तो आपण माने जानिले कंधमाल जे कि अधिक मात्रा रे जंगल अवस्थित किंतु एठी कहि छि कि कौ डिस्ट्रिक्ट रे कौन ना लोएस्ट कम मात्रा रे जंगल अवस्थित करेक्ट आंसर कौन है ना ऑप्शन बी भद्रक भद्रक रे जे कि जंगल
कम मात्रा रे अवस्थित बा बहुत कम जंगल भद्रक डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित। क्लियर, चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, क्वेश्चन नंबर 87। व्हिच ऑफ द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट परसेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर। कौ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट रे जे कि हमर हाईएस्ट मात्रा रे कौन अछि ना फॉरेस्ट अवस्थित। करेक्ट आंसर कौन हेबो कोंतु, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट कथा पचार छि, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कथा आपन को पचार नै, नॉर्मल कथा पचार थिला आपन माने कहि थांते कंधमाल, एठे किंतु कोस्टल डिस्ट्रिक्ट कथा पचार छि आपन माने कहबे ऑप्शन डी गंजाम। गंजाम रे जे कि हमर अधिक मात्रा रे जंगल अवस्थित जे कि कोस्टल डिस्ट्रिक्ट। ठीक अछि, क्वेश्चन नंबर 88 देखंतु, क्वेश्चन टी कौन कहला, इन ह्विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन आज तोलिया चाष। ठीक अच्छे, देखंतु एठी क्वेश्चन टी कहछि कि ओडिशा रो केऊ डिस्ट्रिक्ट को जे कि हमर कौन ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हमर कहा जाए तोलिया चाष बोली कहा जाए। ओडिशा रो केऊ डिस्ट्रिक्ट रे जे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को तोलिया चाष बोली कहा जाए। करेक्ट आंसर कौन हेबो ना, ऑप्शन ए केन्दुझर, केन्दुझर डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट रे जे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन टा को तोलिया चाष बोली कहा जाए। बुझिपाले, चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, क्वेश्चन नंबर 89 जे कि इरुवाड़ी ए टर्म फाउंड इन द लेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन रेफर टू ए टाइप ऑफ। देखंतु एठी क्वेश्चन कहिछि कि हमर जो इरुवाड़ी नामक कौन इरुवाड़ी जो हमर देखा जांती एटा कहार पॉपुलेशन को रेफर करिथाय, ए इरुवाड़ीटा कहार पॉपुलेशन को रेफर करिथाय, टाइगर ना क्रोकोडाइल ना डॉल्फिन ना ब्लैक बक। करेक्ट आंसर कौन हेबो ना, आपण माने कहबे ऑप्शन सी डॉल्फिन, डॉल्फिन मानकर पॉपुलेशन को जे कि इरुवाड़ीटा रेफर करूची, जे कि हमर जो इरुवाड़ी नामक डॉल्फिनटा एटा कौ जगार देखा जाए ना चिलिकारे, चिलिकारे जे कि हमर इरुवाड़ी नामक डॉल्फिनटा देखा जाए। ठीक अछि, जे कि इरुवाड़ीटा हमर डॉल्फिन रो पॉपुलेशन को रेफर्स करे, ऑप्शन सी हे जीव करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, क्वेश्चन नंबर 90, ब्लैक बक ए टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पेसीज आर सीन मोस्टली इन द डिस्ट्रिक्ट। देखंतु ब्लैक बक, ब्लैक बक रो माने कौन ना आपण माने कहबे कृष्णसार मृग। ठीक अछि, ए जो कृष्णसार मृग ओडिसा रो केऊ डिस्ट्रिक्ट रे जे कि मोस्टली मुख्यतः देखिबा को मिलंती। करेक्ट आंसर कौन हेबो ना, ऑप्शन सी गंजाम, ओडिसा रो गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे जे कि अमर जो रहिले कि ब्लैक बक कृष्णसार मृगटा देखिबा को मिले, ऑप्शन सी हे जीव करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, क्वेश्चन नंबर 91, ह्विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बार्ड सैंचुरी इन ओडिशा। निम्नलिखित मानक मधुर कोटा गोटे ओडिशार बार्ड सैंचुरी पक्षी अभयारण्य। करेक्ट आंसर कौन हेबो ना, ऑप्शन ए नलबण, नलबणटा होउछि हमर गोटे ओडिशार पक्षी अभयारण्य। ठीक अछि, ऑप्शन ए हे जीव हमर एठी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, हाउ मेनी नेशनल पार्क देयर इन ओडिशा, ओडिशार केतोटी नेशनल पार्क अछि ना आपण माने कहबे ऑप्शन ए ओडिशार दुईटी नेशनल पार्क अछि, कौन कौन ना गोटे है भितरकनिका नेशनल पार्क एवं गोटे है शिमिलीपाड़ नेशनल पार्क। क्लियर, भितरकनिकाटा जेकि केन्द्रापड़ा अवस्थित एवं शिमिलीपाड़ा जेकि मयूरभंज रे अवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन कौन कहूँ देखंतु, एटी आमको क्वेश्चन टी पचारा, ह्विच वाइल्ड लाइफ सैंचुरी इज अल्सो नोन आज उषाकोठी सैंचुरी। क्यों वाइल्ड लाइफ सैंचुरी बा क्यों वन्यजंतु अभयारण्य को आमे उषाकोठी अभयारण्य बोली कही था। करेक्ट आंसर कौन हेबो ना, आपण माने कहबे ऑप्शन बी बद्रमा वाइल्ड लाइफ सैंचुरी। ठीक अछि, जे कि आमे कौ वाइल्ड लाइफ सैंचुरी को कौन ना ह्विच वाइल्ड लाइफ सैंचुरी अल्सो नोन आज उषाकोठी सैंचुरी, क्यों वन्यजंतु अभयारण्य को आमे उषाकोठी सैंचुरी बोली बा उषाकोठी वन्यजंतु अभयारण्य बोली कहू। कौन कहे ना, ऑप्शन बी हे जीव करेक्ट आंसर, बद्रमा वाइल्ड लाइफ सैंचुरी अन्य नाम होउची उषाकोठी वाइल्ड लाइफ सैंचुरी। ठीक अछि, बुझी पाइले, जदि पचारिबो कौ डिस्ट्रिक्ट रे अछि ना आपण माने कहबे ओडिसा रो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रे जे कि हमरो उषाकोठी वाइल्ड लाइफ सैंचुरी अछि बा बद्रमा वाइल्ड लाइफ सैंचुरीटा अछि। तापर ऑप्शन ए रे देखंतु गहिरमथाटा कोठी अछि ना केन्द्रापड़ा रे गहिरमथा अछि। तापर को सी रे देखंतु वाइसवाली वाइल्ड लाइफ सैंचुरी, वाइसवाली वन्यजंतु अभयारण्य हमर नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट रे अछि। तापर को भितरकनिका तो आपण माने जानिथिबे केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे अछि। बुझि पाइले, चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, क्वेश्चन नंबर 94 देखंतु, द वाइल्ड लाइफ सैंचुरी अराउंड सातकोशिया गौर गेट्स वाटर फ्रॉम व्हिच रिवर इन ओडिशा। कौन कौच ना आमर जो सातकोशिया गर्ग रहा क्यों नदी सातकोशिया गर्ग रु जैक पा आसे क्यों नदीटा सातकोशिया गर्ग को पा जोगाई थाए। 94 करेक्ट आंसर कौन हेबो ना, आपण माने ऑप्शन बी को करेंगे करेक्ट आंसर, महानदी, महानदी जैक सातकोशिया गर्गटा को पा दे थाए। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 95,
चंदका कौन दला ना चंदका डांपरा वाइल्ड लाइफ सैंचुरी इज लोकेटेड आमर जो चंदरा डांपका वाइल्ड लाइफ सैंचुरी रहा वन्यजंतु अभयारण्य एटा आमर कोठी अवस्थित 95 रो करेक्ट आंसर कौन है ना आपण माने कहबे ऑप्शन डी एटा आमर जे कि बोथ खोर्धा एवं कटक खोर्धा रे एवं कटक रे अवस्थित ठीक अछि 95 रो जे कि ऑप्शन डी हे जीव करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 96 व्हाट इज द ओनली मैरिन सेंचुरी इन ओडिशा ओडिशा रे केवल गोटे मात्र मैरिन सेंचुरी अछि ता नाटा कोन करेक्ट आंसर कोन हेबो ना ऑप्शन ए गहिरमथा मैरिन सेंचुरी गहिरमथा मैरिन सेंचुरी लोकेटेड पचारिले आपण माने कहबे केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित बुझि पाइले जे कि केबे डिक्लेअर करा जाइथिला ना 1997 रे जे कि हमर गहिरमथा गोटे मैरिन सेंचुरी बोली डिक्लेअर करा जाइथिला। तापर देखंतु ऑप्शन डी रे देला देवरीगढ़ देवरीगढ़ टा हमर कोठी अवस्थित ना देवरीगढ़ आपण माने कहबे एटा भी हमर संबलपुर रे अवस्थित देवरीगढ़ संबलपुर रे अवस्थित एवं आमर जो रहिला कि उषाकोठी उषाकोठी तार अन्य नाम होला कौन ना आमर बद्रमा बद्रमार अन्य नाम होला उषाकोठी ठीक अछि बद्रमा एवं आउ गोटे जो रहिला कि आमर देवरीगढ़ एई दुईटी जे कि आमर संबलपुर रे अवस्थित क्लियर। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 97 सांग माने एई टाइप रो क्वेश्चन ही आमर एग्जाम रे आसुची आपण जदि जाकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिबे देखिबे एई टाइप रो क्वेश्चन ही आपण देखिबाकू पाइबे। क्वेश्चन नंबर 97 देखंतु रामतीर्थ कंजर्वेशन सेंटर इन ओडिशा रन कंजर्वेशन प्रोग्राम फॉर प्रोटेक्टिंग व्हिच एंडगेमेंट स्पेसीज देखंतु एठी क्वेश्चन कहि कि हमर जो रहला कि रामतीर्थ कंजर्वेशन सेंटर एटा जे कि काहाकू बा हमर जो रहला कि कोउ एनिमल को जे कि प्रोटेक्ट करी थाए को किए प्रोटेक्ट करी थाए रामतीर्थ कंजर्वेशन सेंटर केउ एनिमल को प्रोटेक्ट करी थाए करेक्ट आंसर कोन हेबो ना आपण माने कहिबे ऑप्शन डी क्रोकोडाइल को जेकि रामतीर्थ कंजर्वेशन टा जेकि सेंटर टा प्रोटेक्ट करी थाए ठीक अछि ऑप्शन डी हे जीव करेक्ट आंसर। जदि आपण को पचारिबे कि रामतीर्थ कंजर्वेशन सेंटर ओडिसा रो केउ डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित आपण माने कोन कहिबे ना मयूरभंज मयूरभंज रे अवस्थित क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 98 एठी क्वेश्चन टा हमको पचारि छि कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फास्ट देला तापर डिस्ट्रिक्ट देला वन्यजंतु अभयारण्य कोउ डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित प्रथमे आपण कोंतु बाइसपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाइसपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टा हमर कोउ डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित ना आपण माने कहबे बाइसपल्ली टा जे कि हमर नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित ए बाइसपल्ली टा केबे फॉर्मेशन करा जाईतिला ना 1981 रे बाइसपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टा नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट रे फॉर्मेशन करा जाईतिला। तापर कोंतु कलरापत कलरापट्टा आमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोउ डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित ना आपण कहबे कलाहांडी कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रे जे कि कलरापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टा अवस्थित एटा केबे फॉर्मेशन करा जाईतिला ना 1982 रे जे कि फॉर्मेशन करा जाईतिला सॉरी 1992 ठीक अछि 92 रे फॉर्मेशन करा जाईतिला। तापर को कपिलास त आपण माने जानिथिबे ढेंकानाल रे अवस्थित एटा जदि पचारिबो केबे फॉर्मेशन करा जाईतिला ना 2011 रे जे कि फॉर्मेशन करा जाईतिला। बाकी रहिला कोठागढ़ कोठागढ़टा जे कि हमर कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित एटा भी सेंती हमर फॉर्मेशन केबे करा जाईतिला ना 1980 कोन कहबे ना 1981 ठीक अछि 1981 रे जे कि कोठागढ़ कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रे फॉर्मेशन करा जाईतिला। मु जो आपण मानको कहली एठी चारिटा मसिया कहली एवं चारटा डिस्ट्रिक्ट रो ना कहली एवं चारटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किए को डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित एवं केबे फॉर्मेशन करा जाईतिला गोटिए क्वेश्चन रु आपणकर केतेटा क्वेश्चन आइला ना 12टा क्वेश्चन आसीला ए 12टा क्वेश्चन को मने रखंतु बहुत इंपोर्टेंट रहइबो आकु भी हम आपणकु सेपरेट करके गोटे गोटे क्वेश्चन पचार देबो कपिलास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिसा रो केउ डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित बा कलरापथ बाइसपल्ली कोठागढ़ केउ डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित ए टाइप रो भी क्वेश्चन पचार देबो मसिया भी आपण मने रखिथिबे मसिया भी बहुत इंपोर्टेंट रहुची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन कहला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट कोउटा गोटे इनकरेक्ट अछि जे कि जेमिति कि आपण माने जानिले हमर चिलिकाटा कोन ना इरुवाटी डॉल्फिन पई कि प्रसिद्ध ठीक सेही टाइप रो हमकु चिन्हेबा को पड़िबो कोउटा हमकु गोटे भूल दै छि जे कि हमर आपण माने फास्ट तो जानिले चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमर कोन ना हमर इरुवाटी डॉल्फिन पई कि प्रसिद्ध ता माने एटा हमर ठीक अछि। तापर देखंतु लास्ट रे देखंतु नंदनकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमर एटा कोन पई कि प्रसिद्ध नंदनकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जे कि हमर इंडियन कोन ना इंडियन पेंगोलिन जे कि हमर वज्रकप्ता ठीक अछि एटा हमर प्रसिद्ध। तापर को रहला हमर को सुंदरवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोन पई कि प्रसिद्ध कोंतु
ना आपण माने कहबे सुंदरबन जे कि हमर कोन ना बारासिंघा एटा हमर ठीक अछि ता माने ऑप्शन बी रे देखंतु भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोन पई कि प्रसिद्ध ना एशियाटिक एलिफेंट एटा हमर भूल अछि भितरकनिकाटा कोन पई कि प्रसिद्ध ना आपण माने कहबे भितरकनिकाटा तो हम जानिछु क्रोकोडाइल पई कि प्रसिद्ध क्रोकोडाइल किंतु एठी कोन दे देला एशियाटिक एलिफेंट जदि एशियाटिक एलिफेंट पई कि प्रसिद्ध ताले हमर क्रोकोडाइल माने कोर जिबे कोना दी क्रोकोडाइल मैंने पुणी मन दुख करेंगे ठीक अच्छे से भितरकनिकाटा जे कि आम क्रोकोडाइल मानक प्रसिद्ध एटी जे कि ऑप्शन बीटा अच्छी आम इनकरेक्ट ठीक अच्छे तामने ऑप्शन बी होमर ये करेक्ट आंसर ठीक अच्छे जे कि आम एटा आम इनकरेक्ट अच्छी बुझिपाले क्वेश्चन कौन कौन देखो 100 जे कि आज शेष प्रश्न द नलबण बार्ड सेंचुरी वाज डिक्लेयर इन द ईयर नलबण बार्ड सेंचुरी नलबण पक्षी अभयारण्य जो रहा यहाँ आम के डिक्लेयर करा करेक्ट आंसर कौन है कहतु क्वेश्चन नंबर 100 ना आपन माने कहबे ऑप्शन सी 1987 रे जे कि नलबण पक्षी अभयारण्य जे कि डिक्लेयर करा जायतिला बा घोषणा करा जायतिला ठीक अछि ऑप्शन सी हे जीवो करेक्ट आंसर संग माने ये थिला आपन मानको पई किछि क्वेश्चन जियोग्राफी उपर केवल ओडिसा उपर मु आपन मानको पई नै कियै छी भिडियोटी बहुत इंपोर्टेंट रहूची भिडियो को आपन शेष पर्यंत देखंतु जदि भिडियोटी आपन मानको भलो लागुची तबे चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु लाइक करके भिडियोटी को आपन संग साथी मानको शेयर करंतु तो मु बहुत जल्दी आपन मानको पई नेक्स्ट पार्टी नै आसुची जय जगन्नाथ।